नमस्कार, न्यूज आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जुनेद। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशन में क्षेत्रीय नेताओं ने जनता के बीच पार्टी की पेठ मजबूत करने की कोशिश शुरू कर दी है। उज्जैन में जिलाध्यक्ष अनंत नारायण मीणा ने कार्यकर्ताओं के साथ संपर्क अभियान चलाते हुए लोगों के बीच पहुंचे। इस दौरान व्यापारी अशोक सांखला ने अपनी बंद दुकान का 47,000 रुपये का बिल दिखाते हुए सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। कांग्रेस आने वाले विधानसभा चुनाव से पहले जन समस्याओं और व्यापम जैसे भ्रष्टाचार को उठाते हुए सत्ताधारी भाजपा के खिलाफ माहौल तैयार कर रही है। नगर जनसंपर्क अभियान चल रहा है, उसके अंदर जो भारतीय जनता पार्टी के कुशासन की जितनी भी विफलता है उनको लेकर के हम जो है यहाँ जनता के बीच जा रहे हैं। जिस प्रकार से उन्होंने जो है इस मध्य प्रदेश के अंदर बहुत बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा व्यापम घोटाला किया, उसको लेकर के जा रहे हैं। और जो है नर्मदा शिप्रा लिंक के नाम पर यहाँ पर जो उज्जैन के नागरिकों के साथ छलावा किया, बिजली के बिल अनाप शनाप, झुग्गी झोंपड़ी और जिन लोगों की दुकानें सालों से बंद, उन को लाखों हजारों के बिल दिए जा रहे हैं, वो भी एक समस्या। गंदा पानी यहाँ पर दिया जा रहा है, साफ सफाई की भी बहुत सारी यहाँ पर परेशानियाँ। इन सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच हम नगर संपर्क अभियान के माध्यम से जा रहे हैं। बीजेपी भाजपा सरकार जो बड़े बड़े वादे करती है, बड़े बड़े भाषण देती हैं, अपनी उनकी करनी और कथनी में बहुत अंतर है। आज तक योजनाओं की बात करें तो किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। जो 400 करोड़ बिगाड़ने के बाद भी उज्जैन शहर में पानी के लिए पूरे उज्जैन शहर के लोग परेशान हो रहे हैं, या तो एक घंटे के लिए ना लाते हैं, उसमें गंदा पानी उज्जैन के शहर की जनता पी रही है। उज्जैन से सुदर्शन सोनी, न्यूज आज। फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।